चणक किरा महल पवा मामू रख के कर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा सदानिए बागे बोल 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 सदानिए बाग बुहारा सदानिए रैनी हुसन जवानी सदानिए सोबत आनी। कहीं ऊंची ऊंची घाटियां तो कहीं समतल मैदान, कुछ दिन बर्फ सा ठहराव, वरना तो हमेशा नदी से बहते जाना। हर दिन नया दिन, हर रात नई रात, हर पल कुछ नया सा। जो स्थाई है वो है सिर्फ जंगल। ये गाथा है वन गुज्जरों की, जाने अनजाने पर्यावरण को आत्मसात करने वाले वन गुज्जरों की। ये स्टार्ट हुए थे महाराजा हरि सिंह की फैमिली से, एक बेटी की शादी हिमाचल हुई। उस लड़की ने ये कहा हिमाचल जाके, हिमाचल में सब बढ़िया है लेकिन मेरे जम्मू का गुजर नहीं। फिर हिमाचल के राजा ने जम्मू के राजा को गुजर की मांग की थी और महाराजा हरि सिंह की फैमिली ने फिर उन वन गुज्जरों को अपने यहाँ से हिमाचल भेजा। हर सूर्य उदय से पहले शुरू होती है उनके लिए एक नई डगर की तलाश। डेरे के नाम बस पेड़ों का एक झुंड और थोड़ी सी समतल जगह, छाड़ को उखाड़ा और झाड़ू बुहारने के साथ नया डेरा तैयार। ऊंचा कद, गठीला शरीर, भारी भरकम दाढ़ी मूछ, इनका पहनावा, इनकी बोली और इनका काम इन्हें बाकी समाज से अलग पहचान देता है। प्रकृति से अटूट रिश्ता इनकी एक और पहचान है। दानश बंदिया गल सुन मेरी तै के दुनिया दल लाना, दुनियादारी चार दिहाड़े खाके मिट्टी रल जाना। इनके रोजाना के सफर में ना तो सड़कें हैं, ना ही उनकी कोई चाह, कोई बिजली नहीं, पहचान पत्र के लिए कोई स्थायी पता भी नहीं, बस चलते जाना। शुरू से ही हमारे बाप जंगल में रहे, इसी जंगल में घूम घूम के भैंसे जैसे अब थोड़े दिन यहाँ रुक गए, जैसे महीना एक महीना रहे वहाँ पे, चारा खत्म हो गया फिर दूसरी का चले गए, ऐसे ही चलते रहते हैं 12 महीने। टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते जाना, कभी कभी तो खतरनाक रास्ते सांस अटका देते हैं, लेकिन इन घुमंतू वन गुज्जरों के लिए जीने की राह ढूंढना ही है जिंदगी। चरैवेती चरैवेती, उनके पुरखे भी ऐसा ही किया करते थे। जमीन में सोते थे, लेट जाते थे, जहां आता था वहीं बारिश के लिए तो तंबू होते थे, हम तो तंबू कहते, तरपाल लगा लेते थे, उन्हीं के नीचे सोते थे। जहां अपनी भैंसें होती थी वहां सो जाते थे, जैसे बड़ी बड़ी गुफा होती है ना पहाड़ों में, उनमें रह जाते थे। अपनी कहीं जगह नहीं ली हमने, जंगलों में रहते रहे, जंगलों में चलते रहे, और जानवरों का शौक था, जानवर के लिए जहां चारा देखा वहीं अपने चल दिए। मूलतः तो ये लोग जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हैं, लेकिन अब इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हो चुका है। घने जंगलों और घास से भरपूर चरागाहों की तलाश में वन गुज्जर आपको दिखाई पड़ेगा कि तराई के क्षेत्र में, भाबर के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं जंगलों में अपने जानवरों के साथ, और यहाँ से ये बरसात के मौसम में धीरे धीरे ऊपर की ओर को, माने उच्च हिमालयी इलाकों की ओर को प्रवास करते हैं। यहाँ पर 6 मंथ के लिए आते हैं उसको चराने के लिए, तो इसी तरह हमारा मतलब जो रोजगार है वो चल जाता है। फिर जब विंटर आता है तो हम विंटर में चले जाते हैं, नीचे गांव में चले जाते हैं 4 मंथ के लिए या 5 मंथ या 6 मंथ के लिए, लेकिन उतना टाइम नीचे रहते नहीं है जितना टाइम यहाँ पर हम अपना निकाल लेते हैं। इन वन गुज्जरों की जिंदगी अपने पशुधन के लिए भोजन पानी की तलाश में ही गुजर जाती है। सचमुच में देखें तो इनका मुख्य धर्म है पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति से प्रेम।
कोई बनावट नहीं, सब कुछ कुदरत पर निर्भर। प्रकृति की गोद में खुद भी रहना और अपने पशुओं को भी पालना। आमतौर पर सर्दियां हिमालय के जंगलों में गुजरती हैं, जिन्हें हम शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से पुकारते हैं। वहां इनके पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा मिल जाता है। इन्हें खूब मालूम है कौन से चारे या पेड़ की पत्तियों से दूध की मात्रा बढ़ेगी और उसका स्वाद भी, और उसी से मिलेंगे बेहतर दाम। जैसे हमारे यहाँ एक तो खब्बल हुई और एक पड़िया, एक लंब, एक सीर, एक पन्नी, ये वगैरह घास पतलूंजड़ रामजा ये वगैरह होता था। जो जंगल का घास है ना उसमें ज्यादा ताकत है, जो ये लगाया हुआ घास है इसमें ताकत नहीं है। उसमें भैंस चूक के भी आ जाएगी तो दूध जब गर्म करेगा तो मोटी मलाई आएगी। दरअसल बात मात्रा की नहीं, बात होती है गुणवत्ता की। अपनी भैंसों के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्तियां तोड़ने के लिए ये खुद पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और करते हैं पेड़ों की छटाई, वो भी बड़े ही न्यायोचित और वैज्ञानिक तरीके से। इससे पेड़ दोबारा बहुत जल्दी शाख पत्तियों से खूब घने हो जाते हैं। जो पेड़ होता है इसको हम नीचे से नहीं काटते हैं, इसकी हम टहनी वहनी को उतार लेते हैं। वो इसलिए उतारते हैं, अगर इस साल हम इस पेड़ की टहनी उतारेंगे किसी भी पेड़ की, वो अगले साल थोड़ा ग्रो और कर जाएगा और वो उसको नए तरीके से अच्छी मतलब टहनी आ जाएंगे। जैसे कि दो पेड़ों के बीच में ही आप देख रहे हैं दो पेड़ हैं, विभिन्न पेड़ हैं, इन विभिन्न पेड़ों के बीच में गहरा हुआ है तो एक दूसरे को पड़पने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आज वन विभाग वाले भी कटान छटान करते हैं, उस कटान छटान के कारण उसे लाभ होता है। उसी तरह से जंगलों में आग लगने से भी बचता था, जंगलों में आग लगने से बचते थे कि वो कटान छटान करते थे तो बीच में गैप हो जाता था, तो कभी भाई आग लगी तो वहां पर आगे तक नहीं पहुंच पाते थे। सितंबर से जनवरी तक यदि लॉपिंग की जाती है तो फिर अगली लॉपिंग एक साल बाद होगी। प्रकृति के दोहन का यह रूप ही वन गुजरों के स्वच्छंद पशुपालन को सुचारू बनाए रखे है सस्टेनेबल तरीके से। हमने जैसे शुरू सर्दियों में दिसंबर में करी हमने लॉपिंग, तो अगला दिसंबर आएगा तब तक पत्ते फिर आ जाता है, लॉपिंग हो जाती है, मतलब पंगर जाते हैं पत्ते, हम गुजर बोलते हैं पंगर आ गई। आदत से ये इतनी सीधी होती हैं कि भेड़ बकरी की तरह बिना खूंटे के भी अपने बाड़े में आराम से खड़ी रहती हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वन गुजरों की भैंसें यूं तो जंगली प्रजाति की होती हैं, पर होती हैं काफी समझदार। इन्हें खूंटे पर बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। आदत से ये इतनी सीधी होती हैं कि भेड़ बकरी की तरह बिना खूंटे के भी अपने बाड़े में आराम से खड़ी रहती हैं। वैसे भी ये समुदाय जानवरों को खूंटे में बांधना सही नहीं मानता। सुबह दूध निकालकर जंगल में छोड़ दिया जाता है इन पशुओं को, शाम को दूध निकालने के समय अपने डेरे पर स्वयं वापस आ जाता है उनका झुंड। भैंसों को जैसे ब्याने वाली होती उसको बांधते हम, वैसे तो नहीं बांधते, बहुत बुरा बांधते हैं। जहाँ चाहे मर्जी वहां चली जाती, पहाड़ पे कहीं भी जा सकती है और अपने आप ही आ भी जाती है। कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है तो उस केस में वो उसको बांधते हैं, लेकिन अमूमन ये कभी भी उसको खूंटे से नहीं बांधते। तो जिस प्रकार से ये लोग घुमंतु हैं, एक फ्री सोल के लोग हैं, तो उसी प्रकार से इनके जो जानवर हैं उनको भी ये इसी तरह का रखते हैं। गर्भावस्था के अंतिम महीने में भैंस को जंगल में नहीं छोड़ा जाता है। दुधारू पशुओं के साथ साथ इनके बच्चों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। सब ख्याल रखते हैं, अच्छा खिलाते हैं ताकि दूध अच्छा देगी, बच्चा अच्छा होगा
और तंदुरुस्ती रहेगी इसकी, उसका मतलब उसके उसके टाइम पे ब्याने के टाइम पे उसका पूरा ध्यान रखते हैं। दूध दोहने से पहले बच्चे यानी कटड़े को दूध पिलाना अनिवार्य है, अर्थात शोषण नहीं बल्कि दोहन। बछड़े को एक या दो थन का पूरा दूध पिलाया जाता है ताकि आने वाली नस्ल भी उतनी ही ताकतवर व दुधारू बन सके। सभी किस्म के जानवरों के लिए है यह नियम। दूध पिलाते हैं उसको, अभी तो 5-6 महीने दो थन देंगे, उसके बाद उसको चारा भारा खूब खिलाएंगे, पत्ती जंगल से पत्ती ला के घर पे खिलाते थे तब पलते थे, कीड़े वीड़े पड़ जाते पेट में दवाई खिलाते थे। और जैसे भैंस हम अच्छी नस्ल करने के लिए अच्छा पड्डा रखते हैं लाके कि आगे अच्छी नस्ल बनेगी इसकी, ज्यादा दूध देगी। वन गुज्जरों के लिए भैंस व अन्य पशुओं का दूध उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है और उनका मुख्य आहार भी। उनका पूरा जीवन पशुधन के इर्द गिर्द ही घूमता है, किसी भी वन गुज्जर परिवार की धुरी उसके जानवरों का झुंड ही है। हमारी भैंस तो हमारी माँ समझ के हम भैंस को पालते हैं क्योंकि हमें पाला उसने, हमारे माँ बाप दादा दादा परदादा सबको उसी ने पाला है। इनकी भैंस जमीनी इलाकों में पाए जाने वाली भैंसों की प्रजाति से काफी भिन्न है। उन्हें समतल मैदान की सी सुविधाएं कभी नहीं मिलती बल्कि बहुत कठोर व कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उनका कद काठी व स्वभाव भी उसी के अनुरूप होता है। वे अधिक बलशाली व ऊर्जावान होती हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी खूब दूध देती रहती हैं। जंगल में चरने से जो है जो घास होती ना दूध, उस घास से जो है दूध बहुत गाढ़ा होता है, जो जिससे जो हम दूध बेचते हैं जहाँ पे वहाँ पे जाकर मावा या उसकी फैट जो निकलती है वो बहुत अच्छी निकलती है। और सर्दियों के टाइम में हम लोग पत्ते काटते हैं, पत्ते जो ऊपर से लॉपिंग करते हैं पत्ते खिला, जिसमें बाकुली हो गया, भेड़ा हो गया, इस प्रकार के पत्ते खिला करके वो दूध गाढ़ा होता है और भैंस अच्छी तकड़ी होती है। जो जानवर होते हैं जगह जगह का चारा खाते हैं, जगह जगह की जड़ी बूटियाँ खाते हैं, इसके कारण इनका जो दूध होता है वो भी बहुत पौष्टिक होता है। और अगर आप वहाँ की भैंसों को भी देखोगे तो वो बहुत तगड़ी होती हैं और बहुत मस्कुलर होती हैं और काफी ताकत वाली होती हैं। वन गुज्जर अपने जानवरों को सिर्फ आमदनी का ही जरिया नहीं मानते, उनका अपने पशुधन से ऐसा लगाव होता है जैसे अपने परिवार से। जैसे मच्छर मक्खी लगती है जंगल से आती है भैंसे, तो मक्खी मच्छर बहुत आता है, इसके लिए हम धुआं करके फिर इनका दूध देते हैं। उन्हें वे बाकायदा अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अपने बच्चों सा दुलार देते हैं। गुज्जर को तो भैंस ही अच्छी लगती है और काम से, उसको ज्यादा भैंस ही अच्छी लगती है, भैंस को ही पालेंगे, दूध ही पियेंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे पिलाएंगे और आगे भी देंगे। कटड़ू का भी नाम होता है, हर भैंस का नाम उसमें सब चीज छोटे बड़े का कटड़े का भी नाम, नाम से हम उसको पहचान होती है ना हमारे को, तो उसी से हमारे पशु आ जाते हैं। अमूमन जो भैंस है वो बहुत समझदार होती है, अगर आप 1 किलोमीटर दूर से भी वो उनको आवाज़ देते हैं बहुत तेज तेज आवाज़ में, तो वो भैंस भाग करके वहीं पर उन्हीं के पास आ जाती है और केवल वही भैंस आएगी। 8-10 भैंस अगर घूम रही हैं तो उसमें से वो जिनको ना जिसको आवाज़ देंगे केवल वही भैंस उन तक आएगी। तो बहुत समझदार होते हैं और हमेशा से आज़ाद रहते हैं, जिस प्रकार से इनका खुद का नेचर है, आज़ादी पसंद ये लोग हैं, उसी प्रकार से इनके जानवर भी रहते हैं। अगर कोई पशु बीमार पड़ जाए तो उसका स्वामी उतना ही बेचैन दिखता है जैसे परिवार के किसी सदस्य के अस्वस्थ होने पर। भैंस की अकाल मृत्यु उसके मालिक के लिए आर्थिक रूप से ही नहीं भावनात्मक रूप से भी तोड़ देने वाली घटना होती है। उसकी मौत का मातम ऐसे ही मनता है जैसे परिवार के किसी अन्य सदस्य के खोने पर। हमारी एक अगर भैंस अगर बीमार हो जाए या मर जाए तो हमारे बच्चे उस भैंस को पकड़ के फिर वो रोने लग जाते हैं, इतना रोते हैं कि अगर आदमी मर गया तो उसको कम रोते हैं और अगर हमारी भैंस मर गई तो उसको ज्यादा अधिकतर बहुत रोते हैं। यूं तो वन गुज्जर जनजाति आमतौर पर शाकाहारी ही होती है
लेकिन पशुधन से उनका आत्मीय लगाव इतना गहरा होता है कि वे ना तो उसका मांस खाते हैं ना ही पशुवध के लिए उन्हें बेचते हैं। भैंस को या बेचते नहीं है, हम अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि इस बार अगर वो गाय भैंस दूध नहीं देगी तो अगली बार जरूर वो दूध देगी। तो इसी प्रकार से जो है वो अपनी भैंसों को ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक पालते हैं, और फिर जब बहुत ओल्ड जब बूढ़ी हो जाती है तब उस कंडीशन में जो है वो वहीं पे मर जाती है। तो लोग बेचना भी पसंद नहीं करते भी। ये लोग आमतौर पर जंगली जानवरों का भी शिकार नहीं करते। शिवालिक की पहाड़ियों में उनका सामना शेर चीतों से होता रहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा की खातिर भी वे उनका शिकार करने से परहेज करते हैं। हमने ये नहीं पाया कि किसी गुजरने किसी जंगली जानवर को मारा हो या कुछ किया हो, उन्होंने उल्टा उनका संरक्षण किया। टूटी फूटी लकड़ियां बीनकर लाते हैं, मिट्टी की दीवार चढ़ाते हैं और उस पर घास फूस की छत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये लोग कुशल कारीगर भी होते हैं, अपना डेरा खुद ही बनाते हैं अपने हाथों से। टूटी फूटी लकड़ियां बीनकर लाते हैं, मिट्टी की दीवार चढ़ाते हैं और उस पर घास फूस की छत टीक या किसी अन्य पेड़ की टहनी पर टिकाती जाती है। बस बन गई झोपड़ी। डेरा बनाने के लिए जिन भी चीजों का उपयोग किया जाता है वो प्रकृति से ही कृतज्ञता के साथ ली जाती हैं। आसपास का इकोसिस्टम ही उनके रहन सहन का तौर तरीका तय करता है। घास लगाते थे, ऐसे घास लगा के उसको छोटी छोटी लकड़ी लगा के बत्ती बांधते थे, बांध के फिर उसको लेसते थे मट्टी से लेस के बनाते थे। फिर वन गुर्जर जो रहते हैं वो भी बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर वो जहाँ पे भी उनका डेरा होता है तो आप वहाँ देखेंगे कि जो इनके मकान होते हैं मट्टी से बने हुए होते हैं, उनकी जो छत होती है छत पे वो टीक के या फिर जो उसकी टहनियाँ होती हैं उनसे वो छतें बनाते हैं। तो पूर्ण रूप से ये नेचर से जुड़े हैं। तो कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई भी एक्सटीरियर एलिमेंट इनके घरों में इनके डेरों में आपको देखने को मिलेगा। हर वन गुज्जर परिवार अपने अस्थाई बेस कैंप में रहता है। आमतौर पर अपने घुमंतू साथियों से इनका डेरा कुछ 100 मीटर दूर होता है। अपनी भैंसों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ये लोग छोटे मोटे पोखर बना लिया करते हैं। जहाँ पानी चारा सब चीज है वहीं पर जो है अपना अड्डा जमाते हैं। फिर हम लोग अपने क्षेत्र बांट लेते थे कि भाई ये जंगल मेरा, ये आपका, ये उसका, ये उसका, एक दूसरे के उसमें अटैक नहीं करते थे। रजाबंदी से जो है चुगान होता था। खास बात इस कम्युनिटी में ये है कि वो ऐसी जगहों पे फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं जहाँ पैलेटेबल स्पीशीज हो जो इनके गाय भैंसों के काम आ सके। और पर्वतों में जब ये धीरे धीरे जाते हैं पहाड़ों की तरफ ये जाते हैं तो पहाड़ों में भी ये डेरे अमूमन गांव के आसपास के इलाकों में बनाते हैं। गांव के लोग उसका वेलकम करते हैं, उसको कहते हैं आओ, क्योंकि उससे उन्हें फायदे हैं, उससे उनको दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, उससे उनको वो उतने जानवर जब आ रहे हैं तो खाद एक तरह से मिल रही है। तो ये एक खास तरह की प्रकृति के साथ जो सामंजस्य है वो केवल सामंजस्य संसाधनों के दोहन का ही प्रश्न नहीं है बल्कि वो उसके साथ एक तरह का सहजीवी संबंध बनाने का भी प्रतीक है। यह जनजाति प्रकृति से उतना ही लेती है जितना उसके जीवन के लिए अनिवार्य है। इनका पूरा रहन सहन मितव्ययता से भरपूर होता है, लेकिन परंपराएं बहुत समृद्ध हैं। भोजन आज भी चूल्हे पर ही पकाया जाता है। घर की कर्ता धर्ता होती है महिला। सुबह सूखी लकड़ियां बीनकर लाती है। हरे पेड़ को नहीं काटना, यह इनका अपना बनाया नियम है।
अगर हमारे किसी बच्चे ने ना हरे पेड़ की कोई मोटी टहनी काट दी तो बड़े बूढ़े को अगर पता चल गया कि ये उसने फलाने बच्चे ने काटी है ये, तो उसकी शाम के टाइम फिर वो उसको पकड़ के क्लास होती थी उसकी। और क्लास होती थी जब बड़े बूढ़े ऐसे थे उसके बाद ढेरों कोई जाता भी नहीं था। वन गुज्जर सही मायनों में जंगल के रक्षक हैं, जन के साथ ही प्रकृति के आंगन में पढ़ते बलते हैं इनके बच्चे, और उन्हें संस्कार मिलता है प्रकृति को अपना संगी साथी मानने का। कुछ ही समय में वे परिचित हो जाते हैं जंगल के कोने कोने से, प्रकृति के हर रूप और स्वभाव के पारखी। 10-12 साल की उम्र से हर एक बालक पशुओं के अलग अलग झुंड को संभालने लगता है। जंगल के साथ भावनात्मक जुड़ाव ही इनकी असली शिक्षा होती है। सूजी गला पी खाता उबुलते टट गया ताप पुराना, एन कैन बना के तेनुता गमुदायो लाबा। वन गुज्जर परिवार में अगर किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि इस समुदाय में बेटियों को भार नहीं समझा जाता बल्कि उन्हें सुख और समृद्धि का परिचायक माना जाता है। पशुधन की अच्छी देखभाल करने और परिवार को एकजुट बांध कर रखने में वन गुज्जर महिलाओं का कोई सानी नहीं है। आखिर जंगलों में कई दिनों तक परिवार के पुरुष मुखिया के बिना भी महिलाओं को ही अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। जो उसका पति था वो तो चले गए भैंस को चराने के लिए, और पीछे रह गई वो महिला। तब उसका एक बच्चा है, अब वो घर भी नहीं छोड़ सकती उसको जंगल में, उसको एक अकेले वो घर भी नहीं छोड़ती। अब उसने वो एक चद्दर में बांधा, पीछे चद्दर में लटकाया और वो गई। बच्चा उसके गले में है, वो घास काट रही है और सर में गट्ठा रख कर वो अपने घर ले गई। बच्चा भी अपने साथ रहा, घास भी ले गई। आमतौर पर ये मुस्लिम मजहब को मानते हैं, उनकी अपनी बोली है गुज्जरी, डोगरी और पंजाबी का मिश्रण। कोयल जाग सवेरे बोल गमांदिये बोली, जी कुछ लिखिया मेरे बोमौलत तहम लिया बेच चोली। होवे मोती जड़े आयु सब दहत बाजू, पंजीय मोल हजार दिनारा तुल्ल कतरत राजू। यह जनजाति इस बात से खूब परिचित है कि उसका अस्तित्व आसपास के इकोसिस्टम पर आधारित है। पशुओं के झुंड के अलावा वहां के प्राकृतिक संसाधन यानी पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, नदी नाले सभी इस इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कुछ जनजातियां अब गाय भी पालने लगी हैं। ये लोग मानते हैं कि इस इकोसिस्टम के टिकाऊपन से ही वे टिके रह सकते हैं, चाहे कहीं भी जाएं। वन गुर्जर अब केवल भैंसों तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि ये गाय भी काफी मात्रा में पाल रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि अब वन गुर्जरों को हम एक स्पेसिफिक डेरे में पाते हैं, एक जगह पर उन्होंने अपने परमानेंट टाइप के सेटलमेंट बना लिए हैं, और उनके पास डिमांड आती है केवल भैंस के दूध की नहीं बल्कि गाय के दूध की भी इनके पास डिमांड आती है। लेकिन पूरी दुनिया की तरह इनका भी एक दर्द है। पहले जंगल बहुत हरे भरे होते थे, लेकिन अब जंगलों में वो घास और पेड़ हैं ही नहीं जिनकी इनके पशुधन को जरूरत है। कई बार चारा खरीदना पड़ता है। टीक प्लांटेशन की वजह से घास भी कम होने लगी है। हमारे यहाँ पर इतने घने जंगल हुआ करते थे कि पूछो मत, आप जंगल ही नहीं रहे, मैदान हो गए। तो कटान चल रहे हैं, पेड़ भी नहीं है, घास भी कट जाती है, जंगल में आगे लग जाती है। जब से शागुन लगा है जब से जंगल की पत्ती और घास खत्म हो गया। अब तो कहाँ पेड़ कहाँ है जंगल में, सागून के पेड़ है। दो वो स्पीशीज ऐसी आई इंडिया में जिसने पूरे हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि फॉरेस्ट को परेशान आज तक किया हुआ है।
एक तो यूकेलिप्टस और दूसरा टेक्टोना ग्रैंडिस यानी इमारती लकड़ी के लिए हम सागौन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों स्पीशीज में प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे कुछ भी पैदा नहीं होता, ये अपने नीचे कोई भी प्लांटेशन डेवलप नहीं होने देते और ग्रासेस नहीं होती हैं, जिससे पैलेटेबल स्पीशीज की प्रॉब्लम इनको शुरू हुई। समय के साथ साथ इनके रहन सहन में भी बदलाव आने लगा है। कभी कभी राह चलते नए जमाने की चकाचौंध भी इनकी आंखों को पथरा देती है। नई पीढ़ी की आकांक्षाएं बदलने लगी हैं। बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं, उन्हें घुमंतू जिंदगी रास नहीं आ रही है, वे एक जगह टिकना चाहते हैं। मनुष्य का वो एक खास तरह की जीवन शैली को जीने वाले व्यक्ति का अपने प्रकृति के साथ गहरा अंतर संबंध होता है। यदि आप उस अंतर संबंध को रोकते हैं, उस पर हस्तक्षेप करते हैं, तो वो जीवन शैली में एक असंतुलन पैदा होता है। शायद वो असंतुलन अब वनगुजरों के साथ भी पैदा हुआ है, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, आपको जंगलों में जाने का अधिकार नहीं है, आरक्षित वन हैं, तो ये सब जब नहीं है तो आखिर वो उन जानवरों को लेकर कहाँ जाएंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा। बढ़ते हुए विकास को देखते हुए हम लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख सकें, क्योंकि एजुकेशन के मामले में हम लोग बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो वर्तमान में जो बसने की बात कर रहे हैं वो व्यवस्था के कारण करना है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो जो माइग्रेटिंग कल्चर है, चाहे वो ट्राइबल्स लोगों का आता है चाहे उनका था, वो अधिक प्राकृतिक था, अधिक आनंददायक था, अधिक मज़ेदार था। और आज तो सभी धान एक ही पसीरी वाली बात हो गई है, सब एक ही जैसे हो गए, इसलिए जो वैरायटी विभिन्नता, पर्यावरण का बेस क्या है, विभिन्नता है, वो विभिन्नता खत्म हो रही है। यही गुजरों के साथ गुजरों की बात है। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की बेतहाशा कटने से वन गुज्जरों की जीविका और जिजीविषा के सामने नई चुनौतियां जन्म लेने लगी हैं। ना घर मेरा ना घर तेरा।